ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली सरकार और एलजी साहब के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये खींचतान इतनी बढ़ गई कि इसके निपटारे के लिए अगर अलग से एक कोर्ट बना दी जाए तो शायद वो भी दोनों के झगड़ों का निपटारा ना कर पाए। ऐसा ही बीते दिनों झगड़े का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और ये मामला था देश की राजधानी दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ों की कटाई का, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने ना सिर्फ एलजी साहब को जमकर पटकार लगाई बल्कि कई कड़े सवाल भी पूछ डाले। तो क्या हुआ कोर्ट की सुनवाई में, चलिए वो एक एक बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के जिस रिज एरिया में 1100 पेड़ काटे गए उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि उस इलाके में बिना कोर्ट की परमिशन के पेड़ों की कटाई नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके पेड़ काटे गए, जिससे गुस्साई सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करते हुए कड़े सवाल पूछते हुए ये कहा कि हमें डीडीए से सारी जानकारी चाहिए, मिस्टर सक्सेना को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या डीडीए अधिकारियों ने 3 फरवरी को एलजी के दौरे के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत चाहिए? अगर हाँ तो इससे संबंधित क्या कदम उठाए गए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कब और कितने समय बाद ऐसी जानकारी एलजी को मिली? क्या आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एलजी ने कोई एक्शन लिया? इसके अलावा यदि कटाई से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान के लिए उपचार और बहाली के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जानबूझकर इस तथ्य को छिपाने वाले अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई है? साथ ही अदालत 22 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम एलजी को देते हुए 2 टूक ये कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए का चेयरपर्सन होने के नाते एलजी साहब से सफाई मांगते हुए व्यक्तिगत रूप से अगले हफ्ते मंगलवार तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही ये कड़े सवाल भी पूछे हैं कि एलजी बताएं क्या पेड़ों को काटने की अनुमति की चर्चा के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी, उन्हें कब बताया गया कि अनुमति की आवश्यकता है, क्या एलजी को ये जानकारी नहीं थी कि पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट में अनुमति के लिए आवेदन दायर किए जाने से पहले ही काटा जा चुका था। चूंकि रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई? क्या डीडीए अध्यक्ष के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी? क्या न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा? तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट इसलिए भी और ज्यादा गुस्से में है क्योंकि एक तो डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और इजाजत तब मांगी जब पहले से ही कई पेड़ काटे जा चुके थे। तो कुल मिलाकर अब 22 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि पेड़ कटाई मामले में सख्त सुप्रीम कोर्ट की गाज अधिकारियों पर गिरेगी या फिर एलजी साहब पर। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।